ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी लॉन्ग, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इंफॉर्मेटिव है। मुझे पता है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आधा घंटा का वीडियो बैठ के देखे, बट ये बहुत ही खास वीडियो है आपके लिए, तो इसे एंड तक जरूर देखिए। जो एक्सीडेंट वाले डेज थे तो उस टाइम में मैंने कैसे सफर करा है, ये सब मैंने बातें आप लोगों के साथ शेयर करी है, चीजें शेयर करी है, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए। शिवानी वर्मा एंड यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसका जो चोट था, उसका जो काले काले निशान पड़ गए थे मेरे आंखों पे, सिर पे, तो उसे मैंने जल्दी से ठीक कैसे किया, अपने फेस को रिकवर कैसे किया, क्योंकि हमारे फेस पर अगर कुछ भी दाग धब्बे चोट वोट आ जाते हो तो अच्छा एक्सप्रेशन नहीं पड़ता है। तो गाइज, मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे इतना जल्दी से रिकवरी किया। सो गाइज, इस वीडियो में मैं अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन भी करूंगी, साथ ही आप लोग के साथ सजेस्ट भी करूंगी और बताऊंगी कि भी कैसे अपने स्किन का दाग मैंने हटाया। जल्दी से आप लोग देख सकते हो, बस थोड़ा थोड़ा रह गया है, ये भी हट जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ही कम हो गया। आप लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आप लोग को पता चला होगा, या फिर जो मुझे इंस्टा फॉलो करते होंगे तो उनको पता होगा कि मुझे कितना चोट लगा था, और ये अभी देखकर उन लोग वो लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फर्क पड़ा है। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो प्रोडक्ट्स भी शेयर करूंगी जो इतना जल्दी फास्टेस्ट रिकवरी किए मेरे फेस के ग्लो लाने में, दाग धब्बे हटाने में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही कर लीजिए बेल आइकन को हिट, ताकि मेरी वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो गाइज, मैं उस प्रोडक्ट का, एक एक प्रोडक्ट का आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या यूज करती थी, क्या क्या चीजें मैं खाती थी, फ्रूट हो, जूस हो, खाना हो, क्या क्या मैं खाती थी, क्या क्या चीजें मैं यूज करती थी, स्किन प्रोडक्ट्स यूज करती थी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, तो वो सभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, पहले मैं स्किन केयर करने से पहले मैं अपने बालों को टाई कर लूंगी। मैं अपना बाल ज्यादा देर तक बांधे नहीं रखती, आप लोग मुझे मेरी वीडियो देखते होगे तो आपको पता ही होगा कि मेरा बाल बहुत ही मतलब हमेशा खुले रहते हैं, क्योंकि मेरे सिर में चोट लगी हुई है तो मैं अपना बाल खोल के ही रखती हूँ, बहुत ही कम टाई करती हूँ, बहुत ही कम बांधती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत पेन होने लगता है, चक्कर सा आने लगता है। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ टोनर। टोनर बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप टोनर यूज़ नहीं करना चाहते तो अभी तो ठंडे का दिन है, और गाइज अगर आप फेस वॉश करते हो तो पानी एकदम कोल्ड कोल्ड आता है, जिस जो आपके ओपन पोर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। आप उसे जब भी वॉश करते हो अपने फेस को तो उसे टॉवल से पोछा मत करो, ड्राई मत किया करो, उसे वैसे ही छोड़ दो, वो टोनर से भी ज़्यादा बेटर वर्क करता है। देन वो सूख जाए तो अपना प्रोडक्ट्स आप यूज़ किया करो, बट मैंने डबल मैं कर रही हूँ ताकि मेरा पोर्स का जो प्रॉब्लम है वो जल्दी ख़त्म हो, नहीं तो बढ़ते हुए एज के साथ स्किन बहुत ख़राब होने लगती है जल्दी। तो मैं अपने मैंने बहुत ही लेट स्किन केयर करना शुरुआत किया था, तो मुझे थोड़ा लेट हो गई है स्किन केयर करने में, बट आज के लोग तो स्किन केयर करने का जैसे खाना भूल सकते हैं, बट स्किन केयर करना नहीं भूल सकते हैं। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का है, टी ट्री का टोनर, जो कि एक्ने प्रोन स्किन और जिसका ओपन पोर्स होता है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो मैंने ये यूज कर लिया, देन इसको सूखने देंगे, और आप इसे चाहो तो आप कॉटन के साथ इसे डाल के ऐसे डैब डैब करके भी लगा सकते हो, वो भी सही होता है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है ताकि कॉटन में भी सूख लेता है तो वेस्ट ना हो, सारा फेस पे ही जाए, फेस पे ही लगे, तो इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। अब इसे थोड़ा ड्राई होने देंगे ताकि हमारे स्किन में ये ऑब्जॉर्ब कर ले। विटामिन सी का
सीरम है जो कि बहुत अच्छा है और इसने बहुत ही हेल्प किया है मेरे इस दाग धब्बों को हटाने में, चोट के दागों को हटाने में, जो कि मेरा ये पसंदीदा बन गया है। मुझे आई एम स्पीचलेस, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती। आप मेरा फेस ही देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा लो कि ये कितना इफ़ेक्टिव है और कितना अच्छा है स्किन के लिए। वाओ, आप लोग फर्क देख सकते हो, कितना अच्छा लाइट शाइनी बना दिया और ग्लो भी आ रहा है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो इसे भी मैं थोड़ा एक मिनट के लिए छोड़ूंगी ताकि मेरे स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए। देन मैं अप्लाई करूंगी डॉटिंग की का SPF 50 P++++ UVA+UVB ब्लू लाइट प्रोटेक्शन। गाइज ये बहुत ही ऑसम है, ये मैंने बहुत बार शेयर किया आप लोग के साथ और बहुत ही अच्छा ये सनस्क्रीन है। इसको मैंने अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट किया था कि तुम ये यूज़ करो सनस्क्रीन, और उसको मैंने बताया कि सनस्क्रीन क्यों यूज़ करना चाहिए और उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दो ताकि तुम्हारा स्किन ख़राब ना पड़े बढ़ते हुए एज के साथ। तो उसने स्टार्ट किया और उसको इतना अच्छा लगा, बहुत ही उसको अच्छा लगा। तो ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है। अगर बिगेनर से और कोई सोच रहा है कि मैं कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करूँ, तो ये बहुत ही बेस्ट है। इसने भी बहुत हेल्प की है मेरे स्किन को साफ़ करने में। बट ये भी बात होता है कि सारे स्किन पे सारे प्रोडक्ट सूट नहीं करते हैं, तो जो आपको सूट करते हैं आप उससे खुश हो अपने प्रोडक्ट से, तो उसे चेंज नहीं करना। बाकी जो सोच रहे हैं चेंज करने को या जिन्हें कुछ सूझ नहीं रहा, तो यह प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करना। ये बहुत ही नॉन केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हैं और आप जब भी यूज़ किया करो प्रोडक्ट्स तो अपर की तरह किया करो, नीचे मत लटकाया करो अपने फेस को, नहीं तो फेस नीचे की तरफ लटक जाएगा और आप एजिट लगना स्टार्ट हो जाओगे। सो दैट्स इट, मेरा स्किन केयर हो गया क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ, बाहर नहीं जा रही, और मैं बाहर भी जाती हूँ तो मैं यही स्किन केयर करती हूँ। तो मेरा स्किन केयर हो गया है। बाकी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि जो जो प्रोडक्ट अभी मैंने यूज़ नहीं करा है, क्योंकि अभी मैं एक साथ सारे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकती, और कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ, जैसे दोपहर में कर लिया, नाइट में कर लिया, मॉर्निंग में कर लिया, कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी लिप केयर करने के बाद। नाउ माई स्किन केयर रूटीन, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन इज कम्प्लीटेड। सो गाइज ये है फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि क्लींजर है, आयुर का डीप पोर क्लींजिंग मिल्क है। ये पोर्स को भी क्लीन करता है और ये तो क्लींजिंग मिल्क है, इसे आप एज ए मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और ये आपके स्किन को बेदाग बनाएगा, चमकदार बनाएगा और गोरा बनाने लगेगा धीरे धीरे, इसे एज ए मॉइस्चराइजर आप यूज करते हो तो ये बहुत ही बेस्ट है मेरे लिए। तो मैं इसे एज ए मॉइस्चराइजर यूज करती थी, मैंने इसे नया इसका डब्बा खरीदा है। आप लोग मेरे वीडियोस अगर देखते होगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने इसे ज़्यादातर यूज़ किया अपने स्किन पे और इसने बहुत ही हेल्प किया है मेरे स्किन को सुधारने में, ये दाग हटाने में। सो आई लव दिस प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट है गाइज ये है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप लोग को तो पता ही होगा कितना अच्छा होता है ये एलोवेरा जेल, और जिसे पत्तों पौधों वाला सूट करता है वो उसे यूज़ कर सकता है। और मुझे तो ये
रेडीमेड ही सूट करता है, नेचर्स वाला, पतंजलि का मुझे सूट नहीं करता। अगर आपको सूट करता है तो उसे आप रेगुलर मॉर्निंग में यूज करो। अगर आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, किसी भी काम से आप बाहर जाते हो, तो आप सुबह उठो, फेस वॉश करो और देन आप इसे अप्लाई कर लो 10-15 मिनट के लिए, सूख जाए जब तक। देन उसे वॉश करके आप अपना स्किन केयर कर लो। आपके फेस पे इतना बेस्ट इफेक्ट पड़ने वाला है, आप लोग को खुद पता चलेगा। और आप मेरा स्किन देख के आप लोग देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, मैंने अभी मेकअप नहीं करा है तो स्किन केयर से ही। तो गाइज मैं सच बोलूँ तो मुझे मेकअप करने का मन ही नहीं होता, तो बट करना पड़ता है। तो गाइज ये बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही, इसने भी बहुत हेल्प करी है मेरी। इसे मैं रोज यूज कर लेती थी अपने फेस पे, क्योंकि मैं घर पे ही रहती थी, मैं प्रोडक्ट भी यूज नहीं करती थी, तो इसे दिन भर लगा के छोड़ देती थी। और आप इसे रात में भी यूज कर सकते हो। अगर आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स करके आप अप्लाई करते अपने फेस पे, वो तो आपके लिए बहुत, बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और बहुत ही आपके चेहरे को शाइनी बना देगा, चमकदार बना देगा, एकदम गोरा बना देगा। और आपको ज्यादा पैसे, आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते। इसका छोटा वाला सैसे जो आता है वो 10 रुपए का आता है, उससे इससे जो छोटा डब्बा आता है वो 50 रुपए का आता है, और ये बड़ा वाला है ये है 130 रुपीज का। तो ये आपको इजिली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाएगा, तो आप इसे डेली यूज किया करो जैसे मैंने बताया है। नाउ गाइस थर्ड है स्विस ब्यूटी का हाइड्रा आई सीरम पैच। इसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया एकदम डिटेल से, इसको कैसे लगाना है, लेट के लगाना है, नहीं तो इसमें जो सीरम होते हैं ये फिसल जाते हैं, जो पैच होते हैं, तो आपको लेट जाना है और आंखों पे लगा लेना है। इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मेरे आईज को सही करने में, जो जो डार्क डार्क आपको थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे, उस टाइम तो बहुत से थे। थंबनेल में आप लोगों ने मेरा पिक भी देखा होगा कि कितना डार्क हो गया था मेरा स्किन, और मुझे लगा कि इसे बहुत टाइम लगेगा जाने में, तो मैं थोड़ा मायूस हो जाती हूँ कि क्या ही प्रोडक्ट यूज़ करूँ, कहीं जाना ही नहीं, अच्छा दिखूंगी ही नहीं, तो क्या ही प्रोडक्ट वेस्ट करना है। बट ये सब जो प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ यूज़ कर रही हूँ, OMG गाइस आप लोग ज़रूर यूज़ करना। आप लोग अपने डल स्किन से परेशान हो, या फिर अपने एक्ने से परेशान हो, या आप लोग को चोट लग गया है, भगवान ना करे किसी को चोट लगे, लेकिन किसी ना किसी को लग ही जाते हैं कैसे भी, तो उस सब को हटाने में ये सब प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे, जल्दी ही आप रिकवरी हो जाओगे और आपका फेस पहले की तरह चमकदार बन जाएगा, आप शाइन कर पाओगे जैसे कि मैं। तो ये ज्यादा हाई फाई रेंज का प्रोडक्ट्स नहीं है, आपके बिल्कुल बजट में है, और मैं ये भी यही सब प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो छोटा सा लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कैसी थी, इन्फॉर्मेटिव रही या नहीं रही, या आपको अपने स्किन से कोई प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम से आपको कोई सजेस्ट नहीं हो रहा क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करें, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी वीडियो के अकॉर्डिंग। वीडियो में अच्छे से आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, कब यूज़ करना है, सारा डिटेल से बताऊंगी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो ये रहा आईडी नेम, आप इसे इंस्टाग्राम पे जाओ और सर्च करो और फॉलो करो, उससे भी आपको ज़्यादा ही नॉलेज मिलेगा। तो प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि ये प्रोडक्ट मैं यूज़ करती थी और अभी भी करती हूँ, हमेशा करती हूँ, और ये सब प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ। तो आप लोग को इस प्रोडक्ट्स के बारे में जान के कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप इस प्रोडक्ट्स के बारे में पहले से जानते होंगे तो भी आप मुझे ज़रूर बताना। तो अब मैं बताऊँगी कि मैं क्या क्या रूटीन में अपने खाती थी, पीती थी, और ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी ये चीज़ें सारी फॉलो करके और अपना रिकवरी कर सको जल्दी से, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करा है, इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट्स यूज करा है, खाने पीना भी सब एकदम सही से करा है, जो इतना जल्दी रिकवरी हो गया। गाइस जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो सिर्फ मेरी फ्रेंड थी और मैं थी, और मम्मी को आने में एक दिन लगा था,
क्योंकि होम टाउन से आने में दिल्ली में एक दिन लग ही जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो जब मम्मी आई तो उन्होंने मुझे डेली दो टाइम हल्दी वाला दूध देना स्टार्ट किया। वो मुझे दो टाइम रोज जो हल्दी वाला दूध देती थी, सुबह या शाम या फिर दोपहर या रात को, हमेशा कभी भी दो टाइम दे देती थी। अब कभी भी आप चोट वोट लगे, आपको कहीं भी दर्द वर्द हो तो आप हल्दी वाला दूध पियो, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे भी ऐसा लगा कि उसने बहुत ही फास्टेस्ट वर्क किया है, इंस्टेंट वर्क किया है मेरे फेस को रिकवरी करने में, दागों को हटाने में। तो आप लोग ये जरूर ट्राई करना, और ट्राई का करना आप लोग ये जरूर ही करना, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि हम एक्सटर्नल तो चीज़ें करते ही हैं, हमें इंटरनल भी चीज़ें करनी चाहिए। साथ ही मैं खाती थी पपीता, चीकू और अनानास, मिक्स फ्रूट जूस, अनानास की जूस, मौसम्बी का जूस, अनार का जूस, ये सब मैं पीती रहती थी। तो फ्रूट्स कोई भी ख़राब नहीं होता, आप कोई भी फ्रूट्स लेते हो, कोई भी जूस लेते हो, वो सब भी फायदेमंद है, आपकी सेहत के लिए बेस्ट है। तो आप लोग रोज, आप लोग हेल्थी अगर हो तो और भी फ्रूट और जूस अच्छे से यूज़ करो, क्योंकि वो आपके लिए तो अमृत के समान है। क्योंकि आप हेल्दी होके हेल्दी चीज़ों का सेवन कर रहे हो तो आप कितने स्ट्रांग होगे, हेल्दी होगे, और आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आप एकदम फिट एकदम तंदुरुस्त रहने वाले हो। साथ ही मैं खाती थी ड्राई फ्रूट्स कुछ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पर्सनली। पहले मैं यीस्ट के बारे में बताती हूँ। इसे मैंने ब्लिंकिट से परचेज किया था, 2 to 5 rupees का है, और ये सीड्स और बेरीज है, और इसमें है पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, आलमंड्स, ड्राई ब्लूबेरीज, ड्राई क्रैनबेरीज और रेड राइजेंस, ब्लैक राइजेंस, इसमें सब मिक्स है। इसे मैं दलिया के साथ मिला के खाती थी, और ये बहुत ही अच्छा आपके ब्रेकफास्ट के लिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट है, आप मेंटेन भी रहोगे, आपका फैट भी नहीं जमेगा, और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो मैं इसे यूज़ करती थी। देन मैं ये वॉलनट खाती थी, ऐसे कभी भी खा लेती थी, मुझे भूख तो मिटाने वाली ये चीज़ नहीं है, बट इसे मैं खा लेती थी कभी भी। तो ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा ज़रूरी है। तो मैंने सब चीज़ें की हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी अच्छी आदत ये है कि मैं ऑयली चीज़ें और स्पाइसेस चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती थी, और ना ही खाती हूँ मैं, ये बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। आप लोग भी अवॉइड किया करो, इससे आपकी स्किन हेल्थ दोनों बहुत ही अच्छी रहेगी। खाने में आप नॉर्मल रोटी सब्जी, ज़्यादातर मैं खिचड़ी खाती थी और चावल सब्जी ऐसे खाती थी। तो ये सब थी मेरी चीज़ें खाने की। और अभी रिसेंटली मेरा ये जूस चल रहा है, मिक्स फ्रूट जूस, इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके दिन भर पीती रहती हूँ, बट रात के बाद मैं जूस नहीं पीती हूँ, ठंडी होती है। तो मैंने कहीं से सुना था रात को जूस नहीं पीना चाहिए, तो आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी पहले जान लेना रात को जूस पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। बट आप मॉर्निंग में उठते उठते ब्रश करके जूस पीते हो तो वो आपके लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और उस टाइम मुझे इंजेक्शन भी लगते थे, जैसे कुछ 4-5 दिन लगे, फिर उसके बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ इंजेक्शन। देन इंजेक्शन लग रहा था तो मेरे हाथ फूल गए, मैंने थोड़ा खींच दिया था या टाइट कर दिया था अपने हाथ को, तो मेरे हाथ फूल गए और मैं रोने लगी। तो मैं तब से इंजेक्शन मैंने मना कर दिया, 2-3 बाकी रह गए थे इंजेक्शन, बट मैंने सोचा कि मैं दवा से ही कवर कर लूँगी। इंजेक्शन से तो अच्छा ही है कि मैं दवा खा लूँ, जो कि मुझे दवा पसंद नहीं है, बहुत ही मुझे लगता है हार्ट पावर का दवा है, जिससे मेरा सिर एकदम दर्द करने लगता है और गर्मी ठंड जैसी फीलिंग होने लगती है। सो आप बहुत ही केयरफुल रखना अपने हेल्थ के साथ और स्किन के साथ भी। वीडियो थी बस इतना ही, वीडियो को अब एंड करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू बाय बाय एंड टेक केयर।